हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं कोड प्लेग्राउंड फॉर यू। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कोड प्लेग्राउंड फॉर यू में। तो फ्रेंड्स, हम आज ये सीखेंगे कि यदि हमारे पास कोई पेन ड्राइव है तो उसको हम रैम के रूप में कैसे यूज कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए हम सबसे पहले फाइल मैनेजर को ओपन करते हैं। फाइल मैनेजर ओपन होने के बाद फ्रेंड्स आप यहां पर अपने पेन ड्राइव पर राइट क्लिक करेंगे, देन आपको प्रॉपर्टीज का ऑप्शन आएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहां पर अपने पेन ड्राइव का नाम दिख रहा होगा। उसके बाद आपको यूज स्पेस के बारे में बताया होगा कि आपका इतना स्पेस यूज हो चुका है और आपके पेन ड्राइव का इतना स्पेस अभी फ्री है। देन फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे कि इस जनरल के आसपास में ही किसी मेन्यू पे रेडी बूस्ट का ऑप्शन होगा, जैसा कि हमारे में दिखा रहा है यहाँ पे। इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर तीन मेन्यू दिखेगा। इन तीन मेन्यू में ये आपका फर्स्ट मेन्यू है डू नॉट यूज दिस डिवाइस, सेकंड मेन्यू है डेडिकेट दिस डिवाइस टू रेडी बूस्ट और थर्ड मेन्यू है यूज दिस डिवाइस। तो फ्रेंड्स यदि हम सेकंड ऑप्शन को चूज करते हैं डेडिकेट दिस डिवाइस टू रेडी बूस्ट, तो फ्रेंड्स इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद हमारे पेन ड्राइव का पूरा कम्प्लीटली भाग रैम के रूप में यूज होना शुरू हो जाएगा और आपके पेन ड्राइव में जो भी पहले से डाटा होगी वो सब डाटा क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप पहले ही से मेक श्योर कर लें कि आपके पेन ड्राइव में कोई भी डाटा ना हो, देन फ्रेंड्स आपका ये पेन ड्राइव कम्प्लीटली यहाँ से यूज होना शुरू हो जाएगा रैम के रूप में। जब आप यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक कर देंगे, पेन ड्राइव कम्प्लीटली फुल हो चुका है, देन आप ओके पर क्लिक कर दें और अब यह हमारा पेन ड्राइव फुली रैम के रूप में यूज होगा। फ्रेंड्स फिर से देखते हैं एक बार थर्ड मेन्यू का क्या ऑप्शन है। तो यहाँ पर आप अपने पेन ड्राइव पर राइट क्लिक करेंगे, देन प्रॉपर्टीज पर क्लिक करेंगे, देन रेडी बूस्ट पर क्लिक करेंगे और थर्ड ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। फ्रेंड्स इस यूज दिस डिवाइस का मतलब ये है कि आप अपने डिवाइस का यानी आप अपने पेन ड्राइव का कितना भाग रैम के रूप में यूज करना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। जैसे मान लेते हैं फ्रेंड्स कि हम अपने डिवाइस यानी पेन ड्राइव का 4 GB हम यूज करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम इसे 4 GB पर सेलेक्ट करके छोड़ देंगे या आप यहाँ पर मैन्युअली टाइप भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ से फ्रेंड्स 4096 दैट मीन्स कि ये 4 GB मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अपने पेन ड्राइव का 4 GB भाग हमें रैम के रूप में यूज करना है, देन आप यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक करें और ओके पर क्लिक करें। जैसा कि फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं कि आपके पेन ड्राइव का इतना भाग पहले से ही फुल हो चुका है। चलिए फ्रेंड्स इसके अंदर देख लेते हैं कि इस पेन ड्राइव के अंदर क्या हुआ है। तो पेन ड्राइव के अंदर आपको देखने को मिलेगा फ्रेंड्स रेडी बूस्ट SF कैसे के नाम से एक फाइल बनी होगी जिसकी साइज आपके द्वारा एलोकेट की गई साइज के बराबर होगी। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स कि इस फाइल का साइज है 4 GB। तो फ्रेंड्स आप यदि इसे स्टोरेज डिवाइस के रूप में पुनः यूज करना चाहते हैं तो फिर आपको ऐसे ही उसी स्टेप को दोहराएंगे। आप प्रॉपर्टीज पे जाएंगे, रेडी बूस्ट पे जाएंगे और यहाँ पर डू नॉट यूज दिस डिवाइस को सिलेक्ट करके अप्लाई पर क्लिक करेंगे, देन यहाँ पर आप ओके पर क्लिक करेंगे और आप देखेंगे फ्रेंड्स कि आपकी ये पेन ड्राइव पूरी तरीके से क्लीन हो चुकी होगी। आशा करते हैं फ्रेंड्स आपको ये समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।